वेट लॉस करने से भी ज्यादा डिफिकल्ट है उस वेट को मेंटेन करना। मतलब वेट लॉस तो हम किसी न किसी तरीके से कर लेते हैं, क्योंकि माइंड में ये रहता है कि हाँ एक महीना ही करना है या दो महीने ही करना है या फिर इस टारगेट तक ही करना है और उसके बाद हम खा भी सकते हैं। मतलब माइंड में ये एक कॉन्सेप्ट रहता है। और फिर जब हम वेट लूज कर लेते हैं और उसके बाद जब बारी आती है उस वेट को मेंटेन करने की, तब यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। और हम देखते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने वेट लूज किया होता है, उसमें से बहुत सारे लोगों का वेट गेन हो जाता है, वापिस से वो अपने पुराने वाले वेट पे आ जाते हैं। और इससे ज्यादा दुखदाई आई थिंक कुछ भी नहीं हो सकता, इससे ज्यादा सैड कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम वेट लूज करने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं और अगर वापिस से पूरा का पूरा वेट आ जाएगा तो हमारी मेहनत तो जीरो के बराबर हो गई। मतलब उतनी मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। दैट्स वाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट लॉस करने के बाद उस वेट पे कैसे मेंटेन रहे, कैसे जो है वो वेट गेन होने से खुद को बचाएं या वेट गेन हमारा वापिस से ना हो जाए, ऐसा हम क्या करें। तो बहुत से सिंपल से टिप्स हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं खुद फॉलो करती हूँ। जैसे कि आपको पता है मैंने बहुत ज्यादा वेट रिड्यूस किया है, 26 केजी के आसपास आई लॉस्ट माई वेट। और इतना ज्यादा वेट लॉस करने के बाद भी आई हार्डली गेन एनी 1 or 2 kg। तो सबसे पहली बात मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, यही क्लियर करना चाह रही हूँ कि जैसे ही हमारी वेट लॉस जर्नी खत्म होती है तो उसके कुछ दिनों के बाद 1 से 2 kg गेन होना वो वेट गेन नहीं कहलाता, दैट इज टोटली नॉर्मल। अगर हमारा 2 kg तक भी वेट बढ़ता है इन फ्यू डेज और वीक्स में तो वो नॉर्मल है, उसे आप वेट गेन में काउंट ना करें। क्योंकि जब हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल लाइफ स्टाइल में आती है, हम थोड़ा बहुत बाहर की चीजें या अपने टाइम से इधर उधर होते हैं, लाइफस्टाइल अलग हो जाता है, थोड़ी सी बॉडी अडेप्ट जब करती है, तो उस स्टेजेस में 1 से 2 kg गेन होना जो है वो नॉर्मल है। कुछ वाटर वेट जो होता है वो आ जाता है या कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस की वजह से आ जाता है, तो इसलिए 1-2 kg तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका वेट अब 3 kg गेन हो गया वापिस से या 4 kg और ये बढ़ता जा रहा है, दैट मीन यू आर गेनिंग वेट अगेन, तो ये हमें रोकना है। सो मैंने क्या जो है टिप्स फॉलो किए थे जिससे मैं जो है उस वेट को मेंटेन करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम और वेट गेन ना हो, इसके लिए मैं क्या करती थी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जैसे ही हमारी वेट लॉस जर्नी खत्म हुई उससे अगले दिन आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आपको अपनी डाइट कंप्लीटली चेंज नहीं करनी है। लेट्स एज्यूम कि आज मेरी डाइट खत्म हो गई, मैं 3 meals लेती थी और जो है वो जंक नहीं खाती थी, कल मुझे क्या करना है, मैं 3 meals ही लूंगी, नॉर्मल खाना खा सकती हूँ ठीक है, लेकिन जंक मैं कल भी नहीं खाऊंगी। हमें धीरे धीरे इन चीजों पे आना है, नॉट अ सडन ठीक है जी। मतलब एक तरीके से हमें अपने डाइट को धीरे धीरे वीन ऑफ होना है, हमें एकदम से नॉर्मल सब कुछ जंक इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि एकदम से कार्ब्स एक्सेस जंक मिलने से हमारा शुगर लेवल शूट अप हो जाता है, इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और हमारा ब्लड ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पाता और वो टिश्यूज में जाके फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। इसलिए हमें करना क्या है, धीरे धीरे जो है हमें इन चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करनी है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे पहला टिप आपको यही फॉलो करना है कि उसी डाइट पे मेंटेन रहना है, लेकिन बस चेंजेस ये करना है कि अब आप नॉर्मल खाना खा सकते हो, अपना मील खुद से प्रिपेयर नहीं करना है। दूसरा टिप जो आपको फॉलो करना है, फॉलो द रूल ऑफ 80-20। अब 80-20 रूल क्या है, ये मेरा फेवरेट रूल है और आई थिंक इसी को फॉलो करके मेरा वेट गेन नहीं होता है। 80-20 क्या है, अब मैं ऐसा तो है नहीं कि उम्र भर में जंक नहीं खाऊंगी या डिलीशियस चीजें नहीं खाऊंगी, आई विल ईट, लेकिन हम रूल फॉलो करेंगे 80-20 का। मतलब जो मेरी जो प्लेट का पोर्शन है उसमें 80% हेल्दी होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, हेल्दी फैट्स हो, लेकिन 20% सिर्फ जंक हो जो मुझे पसंद है। मतलब ऐसी चीजें जो प्रोसेस्ड है, जो हेल्दी नहीं है, वो सिर्फ 20% रखनी है। इससे क्या होगा, जब हम अनहेल्दी चीज को किसी हेल्दी चीज स्पेसिफिकली प्रोटीन के साथ कंबाइंड करके खाते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी में बहुत ज्यादा कम होते हैं।
तो स्टडीज में ये देखा गया है, जब हम हाईली प्रोसेस्ड चीज को किसी प्रोटीन आइटम के साथ खाते हैं स्पेसिफिकली, तो जब हम उनको लेते हैं तो जो शुगर स्पाइक्स हैं वो एकदम नहीं आते, बल्कि प्रोटीन की वजह से हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल है वो बड़े धीरे धीरे राइज अप होता है और हमें हेल्दी जो है हेल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं ना कि अनहेल्दी, और वेट गेन भी नहीं होता है। अगर आपको स्नैक लेना है आइसक्रीम, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आइसक्रीम के साथ कोई हाई प्रोटीन रिच आइटम ले लेनी है। तो आप कोई प्रोटीन बार ले सकते हैं, या फिर आप पीनट बटर का एक चम्मच ले सकते हैं, या फिर आप आइसक्रीम के साथ पनीर का एक क्यूब खा सकते हैं। मतलब पहले आपने पनीर खा लिया, देन आप आइसक्रीम एंजॉय करोगे। सो आपको फॉलो करना है द रूल ऑफ 80-20। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे ही किया है। नाउ मूव ऑन माय थर्ड फेवरेट टिप, जो कि है कि अपनी जो क्वांटिटी है अनहेल्दी फूड की उसको रिड्यूस करना है। अगर आप अनहेल्दी ज्यादा अमाउंट में खाएंगे तो उससे वेट गेन होगा, लेकिन अगर आप जस्ट अपने टेस्ट बड को सेटिस्फाई करने के लिए अनहेल्दी खाएंगे तो आप सेटिस्फाई भी रहेंगे और वेट गेन भी नहीं होगा। तो मतलब यह है, आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं लेकिन पूरा पूरा पोर्शन नहीं, उसको क्वांटिटी को कम करना है। लेट्स अज्यूम आपका मन है गुलाब जामुन खाने का, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, गुलाब जामुन ये चीजें जो है वो अकेली नहीं खानी है, इसको किसी हेल्दी प्रोटीन के साथ में जोड़ के खाइए, ठीक है। और दूसरा, अगर एक गुलाब जामुन का मन है तो एक गुलाब जामुन पूरा मत खाइए, उसको आधा खाइए, क्योंकि आपको पता भी नहीं होगा सिर्फ एक गुलाब जामुन जो है वो 3 चपाती की कैलोरीज के बराबर होता है। एक गुलाब जामुन कम से कम 300 कैलोरी का होता है, जबकि 3 चपाती मिला के भी एक चपाती में कम से कम 80-90 कैलोरीज रहती हैं। अगर 3 चपाती भी खाएंगे तब भी 270 कैलोरीज हुई, तो देखो कहां एक गुलाब जामुन, कहां 3 चपाती। तो इसलिए ये कैलोरी हाई फूड होते हैं और इन्हीं की वजह से वेट गेन होता है। इसलिए आप हमेशा मेक श्योर करें, मन आपका है तो आप जरूर खाएं, मैं आपको मना नहीं करूंगी, क्योंकि अब हम डाइटिंग पे तो नहीं है लेकिन अब हम मेंटेनेंस पे हैं। तो मेंटेनेंस में आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं लेकिन मेक श्योर आप अनहेल्दी जो पोर्शन है उसको बहुत कम कर दें, उस क्वांटिटी को रिड्यूस कर दें। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप पे। तो जब भी हम मेंटेनेंस की बात करें, हमेशा आपको याद रखना है ट्राई टू अवॉइड या फिर रिप्लेस द अनहेल्दी फूड। हम जो है या तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करें जितना मन हो, या फिर उनको रिप्लेस करने की जो है वो कोशिश करें। जैसे कि आप जो है आइसक्रीम का मन है तो आप कोई हेल्दी आइसक्रीम डेजर्ट जो है वो घर पे भी बना सकते हैं। आइसक्रीम घर पे बनाना इतना ज्यादा टफ नहीं होता, ठीक है। अगर आपका कुछ स्वीट खाने का मन है तो आप घर में कुछ हेल्दी स्वीट बना सकते हैं बाय यूजिंग नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव्स। एक्चुअली में डाइटिंग में सबसे हार्मफुल व्हाइट शुगर ही है जो कि बिल्कुल प्रोसेस्ड होती है। तो अगर हम घर पे कुछ स्वीट बनाते हैं तो हम नेचुरल स्वीटनर का यूज करेंगे, लाइक डेट्स, लाइक देसी खांड, या धागे वाली मिश्री, या शक्कर, गुड़, हनी। तो इन चीजों का जब हम यूज करते हैं तो ये हमें हेल्थ बेनिफिट्स देते हैं और वेट गेन में भी जो है वो इतना ज्यादा एनरोल नहीं करते। सो ट्राई टू मेक हेल्दी डेजर्ट इन योर किचन, ओके। सो इससे आपको एक हेल्दी डेजर्ट भी मिलेगा, टेस्टी मिलेगा, हाइजेनिक मिलेगा और आपको पता होगा आपने उसमें क्या यूज किया है। नेक्स्ट टिप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा फॉलो करना है ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, ट्राई टू कैरी योर स्नैक्स विद यू। तो जब भी आप बाहर जाते हैं ना, अपने स्नैक्स लेके जाएं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना खाना, आप बाहर जाते हैं, आपको पता है कि मैं 5-6 घंटे बाहर रहने वाला हूँ और काफी ज्यादा लंबा टाइम है। सो उसी बीच में आपको ऑब्वियसली भूख तो लगेगी और अगर आप अपनी चारों तरफ देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अनहेल्दी दिखेगा और बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एंड अप हो जाओगे बाय ईटिंग अनहेल्दी। सो टेक सम स्नैक्स विद योरसेल्फ, आप अपने साथ कुछ चीजें लेके जाइए। अगर आपका घर में मील प्रिपेयर है, लाइक पराठा बना है तो पराठा रोल करके ले जाइए, या फिर लाइक सैंडविच है तो सैंडविच लेके चले जाइए, या कुछ स्नैक लाइक मखाना रोस्ट करके, पीनट्स रोस्ट करके, मुझे तो ये बहुत अच्छा है, ये चिवड़ा जो हम खुद बनाते हैं घर पे वो बहुत टेस्टी लगता है, या उसको बना के ले जाइए, या कुछ नहीं तो एक फ्रूट उठा के अपने बैग में डाल लीजिए, एक एप्पल डाल लीजिए, एक बनाना डाल लीजिए।
इस तरीके से क्या होगा ना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्दी खाएंगे और इससे ही आपका 80-20 का रूल जो है वो फॉलो होता रहेगा कि आपने दिन भर में 80% तो हेल्दी ही खाना है एट एनी कॉस्ट और 20% आप सिर्फ अनहेल्दी खा सकते हैं, ठीक है, जो आपका बहुत ज्यादा मन करे उसका। नेक्स्ट टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन दो अब हम नॉर्मल डाइट खा रहे हैं बट इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि अब आप एक्सेसिव खाना शुरू कर दें। जहां हम डाइटिंग पे 2 चपाती खा रहे हैं, आप उसका डबल या ट्रिपल कर दो, 4 चपाती 6 चपाती खा रहे हो, तो उससे चाहे आप अनहेल्दी नहीं खा रहे हो, आप हेल्दी खा रहे हो लेकिन एक्सेस में खा रहे हो, तब भी वेट गेन होने के पूरे बुरे चांसेस है। इसलिए मैंने आपको बताया ड्यूरिंग मेंटेनेंस डाइट भी आपको सडन इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है इन योर कैलोरीज अगर आप उतना बर्न नहीं कर रहे हैं। जब डाइटिंग में आप 2 चपाती खा रहे हैं, मैक्स आप 3 चपाती खा लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा, ठीक है, 25% से ज्यादा इंक्रीज मत कीजिए अपनी कैलोरीज में, ठीक है, डाइट आपको लगभग वही खाना है। देखो मेंटेनेंस डाइट, एक डाइटिंग पे रहना और एक डाइटिंग के बाद वाली जो डाइट है, लाइक मेंटेनेंस डाइट है, उसमें सिर्फ फर्क इतना है आप लगभग उसी पे ही चलते हो, लेकिन आप अपनी मनपसंद की चीजें जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, टाइम को थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, लेकिन हेल्दी रहने के लिए, हमेशा अपना वेट मेंटेन करने के लिए आपको उसी कैलोरीज को फॉलो करना पड़ता है और साथ ही साथ अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना पड़ता है, अपनी डाइट को क्लीन रखना पड़ता है, अपने आप को हाइड्रेट रखना पड़ता है, तो रूल तो वही है। सो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप क्या है कि कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, तो एक तो आप कम अनहेल्दी की तरफ क्रेव करेंगे। स्टडीज में देखा गया है जितना लोग हाइड्रेटेड रहते हैं, जो वेल हाइड्रेटेड लोग हैं वो अनहेल्दी चीजों के लिए, स्वीट्स के लिए कम क्रेव करते हैं रेदर देन जो डिहाइड्रेटेड लोग होते हैं। तो इसलिए पानी पीते रहें, अपने आप को हाइड्रेट रखें। अगर आप हाइड्रेट रहेंगे तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी, आप अनहेल्दी नहीं खाएंगे, आप ओवर ईट नहीं करेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहेगा, आप अपना वेट मेंटेन रखेंगे, वेट गेन नहीं होगा। सो पानी पीना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डाइटिंग पे भी इंपॉर्टेंट था और मेंटेनेंस डाइट पे भी इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने आपको बताया है कि आपको पानी पीना है, लाइक सुबह उठ के आपको पीना ही पीना है, हर मील से आधे घंटे पहले आपको पीना ही पीना है, तो वो अभी भी पीना है, वो हमारे लिए अच्छा है। देखो डाइटिंग करना या मेंटेनेंस डाइट करना ये एक लाइफस्टाइल है, तो इसको डाइट सोच के मत करो, इसको सोचो कि हमें हेल्दी रहना है इसलिए हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं, और जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इनकी आदत हो जाती है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो क्या है, स्ट्रेस, स्लीप, इन चीजों को मेंटेन करके रखें। स्ट्रेस कम से कम ले और जो स्लीप है वो 7-8 आवर्स की तो ले इफ पॉसिबल। मेरे साथ स्लीप को ज्यादा लेके पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरे ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरी शिफ्ट ड्यूटी रहती है, तो नाइट शिफ्ट में ऑब्वियसली आई कांट स्लीप, बट अगर आपके लिए पॉसिबल है तो अपनी स्लीप को एनहांस करें, इम्प्रूव करें, क्वालिटी स्लीप लें, 6-7 आवर्स लाइक बेबी आप सोएं, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप जो है वो आपका वेट जो है वो मेंटेन रह रहा है, आपको कम स्ट्रेस हो रहा है, कम एंजाइटी हो रही है, आप में ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, आप ज्यादा पीसफुल हो रहे हो और इट विल ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन योर फेस, ऑन योर बॉडी। सो आप अपनी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करें, स्ट्रेस को रिड्यूस करें। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप योर सेल्फ एक्टिव। तो आप पूरे दिन में अपने आप को एक्टिव रखें, आप एक्सरसाइज जो है वो रूटीनली फॉलो कर सकते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ वेट लूज करने के लिए नहीं है, एक्सरसाइज है अपने आप को फिट रखने के लिए। तो अगर आपने एक्सरसाइज पहले कर ली है और अब आप नॉर्मल वेट पे हैं, तब भी आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो। मैंने ये बोल रही आप हार्डकोर एक्सरसाइज करो, लाइक बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करो, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज की आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, ठीक है, टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव होते रहे और आपको एक्सरसाइज करके बहुत रिलैक्स फील होने वाला है। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं तो आप वॉक कर सकते हैं। आफ्टर मील वॉक जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सो यही है वो सारे टिप्स जो मैं फॉलो करती रहती हूँ। सो दीज आर माई टिप्स जो मैं फॉलो करती हूँ अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। प्लीज बताना आपको ये टिप्स कैसे लगे, और अगर आपने वेट लूज किया है और ढूंढ रहे हैं कि कैसे उस वेट पे मेंटेन रहें, तो ये वाली वीडियो और ये वाले टिप्स जरूर से फॉलो करें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।